चूरू जिला मुख्यालय पर 11 अप्रैल को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ का चूरू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारन ने बताया कि कांग्रेस सरकार की अननीतियों को लेकर आमजन में रोष बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ चूरू में बड़ा मोर्चा खोला जाएगा। हमारे लोकप्रिय विधायक, जन जन के नायक, गरीब को, किसान को पिछले 35 साल से सेवा करने वाले नेता 11 तारीख को राठौड़ साहब पधार रहे हैं चूरू में। उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पधार रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करना चाहते हैं। पलक पहाड़े बिछाए चूरू की जनता खड़ी है और उनकी तैयारियों में हमारे पूरे कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उनके स्वागत के अंदर ऐसा स्वागत, भव्य स्वागत होगा कि बहुत 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 इतना स्वागत होगा कि सब लोग देखेंगे कि राठौड़ साहब जन जन के नेता है, इसलिए सब लोग कह रहे हैं जन आक्रोश रैली। उसके साथ जन आक्रोश रैली भी है। अभिनंदन के बाद हम कलेक्टर घेराव करेंगे। यहाँ 20,000 कुर्सियां लगी है। नेता प्रतिपक्ष के स्वागत में किस तरह की तैयारी? 11 तारीख को हमारे हर अजीत नेता राजेंद्र राठौड़ साहब पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी चूरू पधार रहे हैं। यहाँ पर एक भव्य विशाल उनका स्वागत होगा और स्वागत के साथ साथ कांग्रेस की गलत नीतियों और उनके विरोध में हम एक जन आक्रोश, बड़ा जन आक्रोश आंदोलन करने जा रहे हैं 11 तारीख को। और यहाँ पर लगभग 40,000 के लगभग हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति